नांदेड़ शहर में 15 अगस्त यौम आज़ादी का जश्न बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। के अल रहमत एंग्लो उर्दू स्कूल व जूनियर कॉलेज में 15 अगस्त के ज़िमन में परचम कुशाई की तकरीब का अहतमाम किया गया। बाद अज़ा एक तहनीती तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें स्कूल व जूनियर कॉलेज के तलबा व तालिबात ने हिस्सा लेते हुए नात शरीफ, ड्रामे, तराने पेश किए। इस मौके पर मेहमान खसूसी में मौलाना अब्दुल अजीम रिजवी, केरला सिद्रा फाउंडेशन के जिम्मेदार मौलाना अब्दुल रहमान नूरानी, स्कूल व जूनियर कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर शेख रब्बानी, प्रिंसिपल तलत फातिमा निज़ामी के अलावा दिगर कई मौलिम व मौलिमात मौजूद थी। इस तहनीती तकरीब में निज़ामत के फ़राइज बुशरा फातिमा ने बाखूबी अंजाम दिए। वाज़ेह हो कि पूरे इंडिया में 200 तलबा इस्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हुए हैं और नांदेड़ से 17 तलबा इस्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हुए, जिनमें 2 तलबा अल रहमत एंग्लो उर्दू स्कूल के शामिल है। स्कूल के तलबा इस्कॉलरशिप में बेहतरीन नंबरात हासिल करते हुए नुमाया कामयाबी हासिल की है, जिनमें एक तालिब इल्म का नाम वादुर रहमान हाफिज़ फयाज, दूसरे तालिब इल्म का नाम रवान फातिमा मोहम्मद अखलाक है। वाज़ेह हो कि इन 2 तालिबात की तालीमी खर्च ग्रेजुएशन तक शेख अबूबकर फाउंडेशन केरला उठाएंगा। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख रब्बानी ने तमाम मेहमान का पुरतबाक इस्तकबाल किया। माई नेम इज़ सवान फातिमा, माई स्कूल नेम इज़ अल रहमत एंग्लो उर्दू स्कूल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, दुसिद्दा फाउंडेशन की तरफ से स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम पास हो गए, अल्लाह का शुक्र है। इसमें हमारे टीचर्स की बहुत सारी गाइडेंस थी, स्कूल की गाइडेंस थी और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और सभी स्टूडेंट्स को ऐसे एक्सपीरियंस करने चाहिए और कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आज हमारे स्कूल अल रहमत एंग्लो उर्दू स्कूल की तरफ से हमें तहनीती प्रोग्राम रखा गया था, हमारी गुलपोशी की गई थी, इसके लिए हम हमारे स्कूल का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा नाम मोहम्मद वादा रहमान है, हमारे स्कूल का नाम अल रहमत एंग्लो उर्दू स्कूल है। ये जो फाउंडेशन था बहुत ही अच्छा था और हर एक बच्चे को इसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से अपनी हौसला अफजाई भी होती है और अपने को आगे बढ़ने के वास्ते हौसला भी मिलता है। स्कॉलरशिप का इम्तिहान था ये, और जिस हमारे अल रहमत स्कूल में से 2 तलबा आए हैं, जिसमें से हम एक तलबा है। हमारे अल रहमत एंग्लो उर्दू स्कूल में गुलकुशी का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हम हमारे असातिज़ा का और डायरेक्टर शेख रब्बानी सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल रहमत उर्दू एंग्लो स्कूल पर यौम आज़ादी के इस मौके पर हाज़िरी का मौका मिला। हम तमाम ने मिलकर हमारे मुल्क का 78वां यौम आज़ादी यहाँ पर सेलिब्रेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई, तलबा इकराम ने काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर जो है मुजाहरा पेश फरमाया और बेहतरीन नात, हमद और बयानात भी किए, तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही दूसरी खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे फाउंडेशन केरला की तरफ से गुज़िश्ता चंद महीने पहले नांदेड़ के अंदर एक एग्ज़ाम जो है मुनक़िद हुआ था स्कॉलरशिप का, जिसमें नांदेड़ ज़िले से 17 तलबा कराम और तालिबात ने कामयाबी हासिल की, और उसमें 2 तलबा जो है ये अल रहमत उर्दू स्कूल के भी है। ये भी खुशी की बात है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इस स्कूल को मज़ीद तरक्की अता फरमाएँ, और डॉक्टर शेख रब्बानी साहब जो पूरी मेहनत से इस स्कूल को आगे बढ़ा रहे हैं, अल्लाह ताला इस स्कूल को मज़ीद जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर हमें एक मौका मिला कि एक तलबा का कुछ इस्तकबाल किया जाए। दिन बहुत अच्छा था। हमने जो है एक बच्चों के लिए एक मुसाबिकती इम्तिहान में तरबियत दी थी और उनको एक इम्तिहान से कामयाबी मिली, और नांदेड़ पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है 17 बच्चे कामयाब हुए, जिसमें हमारे स्कूल के 2 तलबा हैं जो स्कॉलरशिप के अहल करार दिए गए। केरला फाउंडेशन की तरफ से एक स्कॉलर हंट एग्ज़ाम था, जिसमें तलबा ने काफ़ी मेहनत की और कई मराहल से गुजरने के बाद स्कॉलरशिप के लिए अहल हुए। उनके लिए केरला फाउंडेशन की तरफ से तालीम का इंतज़ाम और दीगर अखराजात ग्रेजुएशन लेवल तक किए जाएंगे।
तो तलबा के लिए को बहुत बहुत मुबारकबाद देने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था, और उनकी हौसला अफजाई के लिए, बाकी तलबा के लिए जो है हौसला अफजाई हो, इसलिए उनकी जो है गुलपोशी की गई तलबा की, और बाकी जो है तलबा ने जो भी बहुत इंटरेस्ट लिया इसके अंदर, और हमारा भी जो प्रोग्राम है आगे का, ऐसे इम्तिहानात में बार बार बच्चों को बिठाते रहेंगे हम, और इनकी जो है तरबियत के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करें। हमारे टीचर्स वगैरह जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस काम के लिए, और हमारा जो निज़ाम है तालीम का वो भी एक अच्छे लेवल पर चला रहे हैं हम, और हम अच्छी कोशिश कर रहे हैं तलबा को जो है कमज़ोर तलबा के लिए अलग क्लासेस, और अच्छे तलबा के लिए अच्छे से अच्छी और गाइडेंस, ऐसा हमारा निज़ाम है जिसकी वजह से जो है बच्चे अच्छी तरक्की कर रहे हैं हमारे स्कूल के, और अच्छे नंबरात ले रहे हैं, SSC के अच्छे नतीजे आ रहे हैं, HSC के अच्छे नतीजे आ रहे हैं। आज 15 अगस्त जश्न आज़ादी के मौके पर अल रहमत स्कूल एंग्लो उर्दू स्कूल में जश्न आज़ादी का प्रोग्राम रखा गया था, उसी के साथ साथ तहनीती प्रोग्राम भी रखा गया था, एक इम्तिहान स्कूल स्कॉलर टैलेंट हंट नामी एग्ज़ाम रखा गया था, जिसमें बहुत सारे कसीर तादाद में तालिबे इल्म ने हिस्सा लिया था, जिसमें हमारे अल रहमत उर्दू एंग्लो स्कूल के 2 तालिबे इल्म सेलेक्ट किए गए थे। उन्होंने बेहतरीन अंदाज़ में अपने कामयाबी हासिल की, जो जहानत के पर मुबनी था इम्तिहान, और उनकी ही हौसला अफजाई करने के लिए आज का प्रोग्राम तहनीती प्रोग्राम मुनक़द किया गया था, और बेहतरीन अंदाज से वो तलबा की गुलपोशी की गई, और दूसरे भी तलबात की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की गई। अल रहमत स्कूल में इसी तरह प्रोग्राम मुनक़द किए जाते हैं, जो भी अगर आउटसाइड भी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी तलबा जो तालिबात हिस्सा लेते हैं उनकी बहुत बेहतरीन अंदाज़ में हौसला अफजाई की जाती है, ताकि इसी तरह के प्रोग्राम में दूसरे बेहतरीन तलबा भी जो अपनी जहानत का जाहिरा नहीं कर पाते वो हौसला अफजाई हो उनकी, और उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें।